हेलो बच्चों स्वागत है मेरे चैनल पर मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर की पहला जो पार्ट है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है आपको पता ही है हर एक चैप्टर का ऐसे ही करते हैं हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले लेते हैं ठीक है सो बार ग्राफ क्या होता है और इसके रिलेटेड टर्म्स क्या है क्या क्या इस चैप्टर में है वो आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं बताने वाला हूं तो इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन का ग्राफ पेपर आपने कभी देखा होगा गलती से या <laughs> गलती से नहीं मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन ग्राफ पेपर अगर आपने देखा होगा तो इस तरह का कुछ होता है ऐसा आपको ये क्या बोलते हैं ऑरेंज ऑरेंज यहाँ पे दिख रहा है कुछ पिंकिश ऑरेंज टाइप दिख रहा है आपको यहाँ पे मैंने बनाया है सो क्या होता है ना कि ग्राफ पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ठीक है और वहां पे हम ना एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस क्या होता है सी सिंपल सी चीज है सिंपल रखना है छोटा रखना है और स्पष्ट रखना है क्लियर रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप बनाते हैं उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस इतना याद रखो वर्टिकल लाइन जो बनाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करने चाहिए ठीक है एक दूसरे को कट करते हैं तो वो कहाँ पे कट करते हैं उसको बोलते ओरिजिन क्या बोलते हैं उसको ओरिजिन तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये है ओरिजिन पॉइंट ये है एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस समझ में आ रहा है एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये दोनों कट करेंगे ओरिजिन पॉइंट पे समझ में आ रहा है सो ये जो चीज हम पूरा कार्यक्रम करते हैं ये ग्राफ पेपर पे करते हैं आ रहे समझ में सिंपल एंड स्वीट ग्राफ पेपर क्या होता है ग्राफ पेपर आप कोई भी अपने आस पास यही पे ग्राफ पेपर अगर देखोगे तो वहां पे आपको आ, दिख जाएगा कि किस तरह से ग्राफ पेपर होता है और वहां पे वैसे तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि ग्राफ पेपर एक्चुअली आपके घर पे कैसे आपको मिलेगा सो so इसके कुछ एक दो स्लाइड बाद आपको अभी देखने मिल जाएगा ना ग्राफ पेपर अपने किताबों के हिसाब से टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या बोला उसने उसने बोला कि भाई ऑब्जर्व द ग्राफ पेपर शोन जस्ट डिसर सेक्शन कहने का मतलब क्या है वो ये बोल रहा है कि आप लोगों को न तो फिर या तो, तो यहाँ पे ना बता के वह ऐसा कह रहा है वो आपको ऐसा कह रहा है कि आप अगर ग्राफ पेपर देखोगे सो so, ये जो देखो आपको यहाँ पे ना डार्क डार्क दिख रही है ये लाइन ये डार्क दिख रही है डार्क और यहाँ पे भी आपको डार्क दिख रही है ऐसा उसी तरह से आप ऊपर देखो यहाँ पे भी आपको डार्क दिख रहा है और यहाँ पे भी ऐसा डार्क दिख रहा है आ रहा है समझ में अच्छा इतना ही नहीं वो आपको यहाँ पे भी डार्क दिख रही है यहाँ पे ऐसे ऐसे डार्क दिख रही है समझ में आ रहा है सो और वो जो डार्क है और इतना ही नहीं इतना ही नहीं इससे बेटर मैं आपको थोड़ा सा आ, हाँ चलो इतना ही नहीं आप मेजरली इसको देखो ये वाला डार्क दिख रहा है आपको और ये वाला डार्क दिख रहा है पहले इतना बड़े बॉक्स की बात करते हैं आपको आगे समझ में आएगा ये देखो ये बड़े बड़े ऐसे बॉक्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे भी ऐसे बॉक्स दिख रहे हैं ये कंटिन्यूड है लेफ्ट में जाओगे तो भी आपको ये लाइन कंटिन्यूड है अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये भी एक डार्क लाइन है इस तरह से देखो क्या हो रहा है एक स्क्वायर बॉक्स नहीं बना रहा है हर जगह पे स्क्वायर बॉक्स बना रहा है राइट right? समझ में आ रहा रहा है आपको स्क्वायर बॉक्स बना रहा? वो क्या है वो क्या है आपका इट इज बॉक्स जो वो बोल रहा है कि वो एक <coughs> बोलते ना कि कुछ एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है यूनिट मतलब क्या कुछ तो वहां पे हम लिखेंगे नंबरिंग जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना दिया ठीक है सो so, मान लो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे वन यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री ऐसा कुछ नंबरिंग की बात कर रहा हो एग्जाम्पल बता रहा है आपको वन टू थ्री ऐसे कुछ आप लिखोगे राइट अच्छा सो so, वो बोल रहा है कि भाई ये जो डब्बा है ना आपका जैसे आपने बनाया इसको ये पूरी पूरी लाइन ये जो है वन को को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करती है को ये टू करेगी थ्री को रिप्रेजेंट करेगी सो so, ऐसे जो बॉक्सेस जो बन जाते हैं ना आपके हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को मिला के बॉक्स बन रहे हैं वो बॉक्स भी और छोटे छोटे डब्बों में डिवाइडेड है जैसे यहाँ पे द यूनिट इज डिवाइडेड टू स्मॉलर यूनिट्स अब वो क्या होता है वो हम देखेंगे ना यहाँ पे उसने फाइनली ये बोला कि जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है इतना आपको समझना है एक्सिस वाई मतलब वर्टिकल ऐसा और एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल। आए समझ में ओके okay. इतना आपको समझ में खाली ग्राफ पेपर के बारे में अगर आप समझ गए तो अच्छा है और क्या है इसके पीछे क्या आपको समझना है क्या नहीं समझना है सब आपको क्लियरली थोड़ी देर में समझ में आ जाए ठीक है ना यहाँ पे भी देखो आपके जो घर पे या आपके स्कूल में जो आप ग्राफ पेपर यूज करने वाले हो या आपको ज्यादातर जो ग्राफ पेपर देखने मिलता है वो कैसा होता है मैं बता रहा हूं आपको ना देखो यहाँ पे uh, आपको ज्यादातर मेजरली जो ग्राफ पेपर देखने मिलेगा स्कूलों में वो इस तरह से होता है या घरों में कहीं पे भी देखो आप ऑब्जर्व करो ये देखो छोटी छोटी लाइन आपको दिख रही है ये एक लाइन सीधी लाइन लेके गया है और फिर ऐसी लाइन यहाँ पे भी है आप ऑब्जर्व करो देखो डार्क लाइन आपको दिख रही है। ग्रीन ग्रीन कलर की डार्क लाइन दिख रही है आपको सीधा गया है गया है क्या और उसके बाद ये देखो हॉरिजोंटली देखो एक डार्क लाइन डार्क लाइन डार्क लाइन सो ये जो होता है ना वन वन सेंटीमीटर के गैप में होता है कौन सा जैसे कि मैं अगर ये बोलो ये पूरा कितना है वन सेंटीमीटर फिर आगे वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर ऐसे आगे बढ़ता जाता है सो एक एक सेंटीमीटर पे एक एक सेंटीमीटर का एक एक डब्बा जो है वो कवर होता जा रहा है उसका बेस जो है वो कवर होता जा रहा है उसी तरह से आप वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं तो ये भी वन सेंटीमीटर है ये भी वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर होता है बकायदा ठीक है ये भी वन सेंटीमीटर ये भी वन सेंटीमीटर होता है सो इस तरह से जो आपका पूरा पूरा एक रेक्टेंगुलर ये जो बॉक्स बड़ा बन रहा है ना उसको बोलते ग्राफ पेपर सिंपल एज दैट सो अगर मुझे मैं आपको एक और बात बताऊं जो मैंने आपको सपोज सपोज ना मैं अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ये सपोज ये पॉइंट जीरो है हाँ ये है फर्स्ट पॉइंट ये है टू ये है थ्री मैंने क्या कि वो जो एक एक सेंटीमीटर का जो गैप है ना वहां पे मैं वन टू थ्री ये फोर फाइव ऐसा नंबर डालते जा रहा हूँ ठीक है उसके बाद ये जीरो है और वर्टिकल को भी वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा लिखते जा रहा हूँ समझ में आ रहा है देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपका सपोज़ ये 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 आप तो सारे के सारे स्क्वायर है ठीक है so, सो वो जो स्क्वायर है ना स्क्वायर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूं वो जो स्क्वायर है ना ये मैंने एक स्क्वायर सपोज ये वाला जो डब्बा है ना ये वाला जो डब्बा ये मैंने यहाँ पे दिखाया और सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, राइट? Right? क्योंकि दस सेक्शनों में डिवाइडेड है सेक्शन में डिवाइडेड होता है दस तो हो uh, सेक्शन हो में, में, में से डिवाइडेड होते हैं और वर्टिकली अगर आप देखो ना मतलब ऊपर से भी अगर आप देखो ना ऐसा तो वो भी ऐसा एक कंपार्टमेंट दो कंपार्टमेंट तीन कंपार्टमेंट चार कंपार्टमेंट ऐसे दस कंपार्टमेंट और वो एक्चुअली अगर ऑब्जर्व करोगे ना वो एक एक mm का गैप है सी ये वाला जो गैप है है ये वाला जो गैप एक एम mm, एम एक, mm, एक एक mm का तो ओवरऑल कितना है दस पार्टीशन दस कंपार्टमेंट है छोटे छोटे सो so, दस एम mm एम हो जाएंगे भाई दस mm तो वन सेंटीमीटर होता है सो so, अगर आपको कोई बोले कि भाई आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या आपको आपको ग्राफ में क्या दिखता है सो भाई हमें ग्राफ में दिखता है कि ईच ग्राफ ईच देर इट इज लाइक इट इज ऑल देर आर स्क्वायर डब्बास वेरी मच इट इज चिपक चिपक के स्क्वायर uh, डब्बे हैं और ईच स्क्वायर बॉक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टेन सब वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बोथ आए समझ में आपको समझ में आ रहा है सो ये होता है आपका ग्राफ पेपर और फिर आपको जो देखो मैं जो एक्स और वाई एक्सिस बता रहा हूं ना जनरली क्या होता है सी ऐसा जैसे कि ये जो ये जो जो लाइन मैंने ग्रीन होती है ना ग्रीन ये दिख रही है आपको ग्रीन के ऊपर मैं रेड लेके जा रहा हूँ सो ये एक स्ट्रेट बनाओगे ना आप ऐसे नीचे तक लेके जाओगे तो वो वाई एक्सिस हो जाता है ये पूरा का पूरा, पूरा आपको वाई एक्सिस हो जाता है उसी तरह से अगर सपोज यहाँ से ऐसे लेके आते हो ये ग्रीन से सीधा लेके जाते हो और फिर यहां तक कैसे जाते हो लेके तो ये हो जाता है आपका एक्स एक्सेस और ये एरो और फिर बाद में ओरिजिन आया समझ में आपको ये आपका ग्राफ पेपर होता है ठीक है सो फिर उसके बाद अभी ग्राफ पेपर के बारे में और अगर हम डिटेल समझने की कोशिश करें ठीक है सो आइए समझते हैं ग्राफ को जैसे यहाँ पे बार ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है अभी बार ग्राफ उसके पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि एक जो ग्राफ पेपर मैंने आपको सैंपल के लिए मैंने आपके लिए निकाला है वो ग्राफ पेपर कौन सा देखो ऐसा इस का। इस टाइप टाइप का का ग्राफ पेपर होता है सो so, देखो अगर आप क्लोजली देखोगे ना देखो किस तरह से होता है मैंने क्या किया है ये जो मैंने बोला ना आपको ये ये ये, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये जो वर्टिकल आपको पूरा यहां तक दिख रहा है ना ये आपका वाई एक्सिस होता है इस तरह से राइट right? सो so, देखो छोटे छोटे आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये आपको देखो यहाँ पे ये वाला ऐसा ये ये जो है सीधी सीधी ग्रीन लाइन जो दिख रही है आपको वन वन सेंटीमीटर का गैप होता है कहाँ पे वन वन सेंटीमीटर का गैप होता है देखो यहाँ पे इसके ये ये जो ये जो है ना ये वन वन सेंटी वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर ऐसा आ रहा है आप लोगों को समझ में गाइस अच्छा इतना ही नहीं मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो ग्राफ बनाया है ना उसको मैं आपको फिजिकली भी दिखाऊंगा वो ग्राफ को आपको फिजिकली दिखाऊंगा इसे मैंने बनाया हुआ है मैं तो आपको फिजिकली दिखाऊंगा कि कौन सा वही ग्राफ मैंने यहाँ पे भी डाला राइट right? सो so, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा फिजिकली लेकिन उसके पहले आप देखते हैं कि भाई जो आपको बार ग्राफ बनाएंगे ना उन लोग वो क्या है उसमें क्या क्या होगा क्या दिखाना है आपको क्या टर्म्स है उसमें कौन सी कौन सी चीजें इनपुट में आती है उसमें तो so, सबसे पहली चीज मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि एक एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दे दिया गया है कि भाई बाईसाइकिल है ठीक है और कितने लोगों के पास बाईसाइकिल है वो हमें प्लॉट करना मतलब बाईसाइकिल कितने लोग के पास है मोटरसाइकिल कितने लोग के पास है रिक्शा कितने लोग के पास है वो डेटा आपको इस बार ग्राफ में दिख रहा है सिर्फ बार ग्राफ मतलब क्या इस तरह से अगर आपको वर्टिकल रेक्टेंगल दिखे तो बार ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं मैं देखो सबसे पहले पे जो डेटा रीड करना है मैं बता रहा कैसे देखते देख, देख, बाइसाइकल कितने लोगों के पास है सो so, आपको ये रेक्टेंगल का सबसे ऊंची पोजीशन के पास जाना है कहां चलो ऊपर चलते हैं ये आपकी उसकी सबसे ऊंची पोजीशन है फिर जहां पे खत्म हो रहा है उसके लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे ना तो so, वो ये जो आपको वाई एक्सिस है ना वाई एक्सिस पे थर्टी जो नंबर है ना वहां पे वो टच कर रहा है सो हम बोलेंगे कि भाई तीस लोग के पास बाईसाइकल है उसी तरह से मोटरसाइकिल की बात करू मैं सो भाई मोटरसाइकिल कितने लोगों के पास है अगेन वो डब्बे के ऊपर जाओ 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 उसका जो टॉप एकदम चोटी है एकदम से जो टॉप पोजिशन है वहां से आप इस तरह से ट्रेसिंग करो एकदम स्ट्रेट बोलते ना कि एक स्केल ले लो और सी सीधा लाइन खींचो वाई एक्सिस पे देखो कि आप ट्वेंटी फाइव पे जाके वो रुक रहा है इसका मतलब क्या हो गया इसका भाई मतलब ये हो गया कि भाई मोटरसाइकिल पच्चीस लोग के पास है उसके बाद रिक्शा की बात करो तो रिक्शा का जो ये आपका जो सबसे ऊंचा पोजीशन है ना वहां से अगर आप ट्रेस करोगे इफ यू ट्रेस इट सो इट इज एकदम सीधा ट्रेसिंग करोगे देखो आपको करना नहीं लेकिन आपको स्केल से खाली वो देखना है कि भाई पे जाके वो वाई एक्सिस की टच करे देखो पांच आ रहा है कहने का मतलब रिक्शा लोग के पास है बुलक कार्ड की अगर मैं बात करूं कितने लोगों के पास बुलक कार्ड है अगेन देखो सबसे ऊंचा उसका जो रेक्टेंगल का सबसे ऊंचा पोजीशन क्या है वो कहाँ है ट्रेस करोगे तो पंद्रह आ जाएगा सो so, बोल रहा है कि इन दिस ग्राफ वी हैव टू तो शो सर्टेन व्हीकल्स एंड देयर नंबर्स आपको इस ग्राफ में कुछ वहीकलों के नाम देने हैं और उनके वो कितने सारे कितने लोगों के पास है वो भी आपको डेटा दिखाना है सो तो यहाँ से आप ये बता सकते हो तो कि बाइसाइकल भाई कितने लोग के पास है मोटरसाइकिल कितने लोगों के पास है रिक्शा कितने लोगों के पास है बुलट कार्ड कितने लोगों के पास है गए आपको समझ में बाकी ये सब चीजें जो दिख रही है वो आपको भी बताऊंगा मैं सब आएगा धीरे धीरे शांति से हम देखेंगे इसको ठीक है समझ में आ रहा है और ऊपर थोड़ा सा अगर हम जाएंगे ना तो यहाँ पे उन लोगों ने कुछ और भी लिखी है दिस कॉलम इज टू वाई वाई एक्सिस एक्सिस एंड ऑफ कंफ्यूज नहीं होना अपने हो। Let, हा, हा, होना अपने को लेट एक्स और पता चाहिए आपको जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां पे सारा का सारा जो रेक्टेंगल खड़ा हो गया है वो आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है आया समझ में इतना समझ लो आप टेंशन फ्री रहने का अपने को सिंपल रखना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है ना बारग्राफ बनाना कैसे भाई बारग्राफ बनाना कैसे है वो देखेंगे हम लोग जो आपको लेफ्ट साइड में दिखा रहे हैं वो बारग्राफ बना कैसे है so, सो उसका पहला स्टेप होता है कोई भी बारग्राफ आपको बनाना है तो पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप एक्स और वाई एक्सिस बनाओ ये आपको वाई एक्सिस है या पहले उतना बना लो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ देखो y एक्सिस बना हुआ है x एक्सिस बना हुआ है ओरिजिन दिख रहा है ये सब बना लो फिर अगले स्टेप की तरफ चलो अगला स्टेप क्या है आपका अगला स्टेप है कि आप डेटा लिखो डेटा मतलब क्या आप x एक्सिस पे लिखो देखो जो नंबरिंग होती है ना कि जैसे जैसे आपको बोला जाए कि आ, आ, कोई भी कोई भी कोई भी डेटा बोला जाए कि भाई आ, फैमिलीज हैं जैसे आ, जैन फैमिली महाराष्ट्र फैमिली आ, ये नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस ठीक है और ऐसा बोला जा रहा है कि आ, जो नॉर्थ इंडियन जो जो भी है जैन फैमिलीज उनके घर में Uh, उनका एक एवरेज इनकम का एक वो बना दिया है कि भाई नॉर्थ फैमिली की एवरेज इनकम कितनी है तो तीन लाख रुपए साउथ इंडियन के साढ़े तीन लाख अगर है ठीक है और महाराष्ट्र uh, 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 चार लाख है इस तरह से अगर डेटा आपको दिया हुआ आपको अगर आपको उसको दिखाना है सो जो तीन लाख साढ़े तीन लाख जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आपको वाई एक्सिस पर डालना है और जो एक्स एक्सिस पे होगा वो, वो जो फैमिली के मैंने नाम लिए ना वो मतलब जो नंबर वाली चीजें होती है वो एक्सिस पर डालनी है की बात कर रहा हूं। उसके आगे जो कि, हाँ, मतलब मैंने आपको बोला है कि मैं आपके साथ चार पांच साल हूं आपने मुझे बोला कि आप भी मेरे साथ चार पांच साल हो सो धीरे धीरे जब चीजें और एड ऑन होंगी रिवाइज होंगी तो आपके साथ तो मैं हूं ही लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका एक्स एक्सिस है वहां पे फिलहाल के लिए सिक्स स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ नाम ये सब चीज ही रहने देना है नंबर वाली मतलब जैसे आपने जैसे सपोज ये एक डब्बा है सपोज ये पूरा एक डब्बा है यहाँ पे आपने फाइव नंबर लिखा डब्बा मतलब क्या मैं क्या बोल रहा हूँ मेरा कहने का मतलब क्या कि जैसे सपोज देखो जैसे सपोज ये है यहाँ पे यहाँ पे सपोज आपने जीरो रखा जो so नेक्स्ट जो है ना ये और नेक्स्ट डार्क ग्रीन लाइन है वो आपका एक डब्बा कंप्लीशन दिखाएगा कि अब एक डब्बा कंप्लीट हो रहा है तो जैसे यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ यहाँ पे एक डब्बा फिर दो डब्बा तीन डब्बा उसकी बात कर रहा हूँ वन टू थ्री वो डब्बा मतलब वन टू थ्री की बात कर रहा हूँ आ रहा है समझ में अब देखो यहाँ पे फाइव है टेन है फिफ्टीन है ट्वेंटी ट्वेंटी डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे नंबरिंग चेंज करते हैं डालते हैं आपको समझेगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको डेटा दिया जाएगा मैं आपको खाली बता रहा हूं नंबर वाली चीजें आपको वाई एक्सिस पे डालनी है एक्स एक्सिस पे आपको क्या डालना है नाम जो भी है वो डालना अब यहाँ पे कैसा बाईसाइकल है मोटरसाइकिल अलग अलग कैटेगरी है जो टू व्हीलर्स की कैटेगरी है सो so, बाईसाइकिल कितने लोग के पास है तो आप ट्रेस करोगे अब देखो ट्रेसिंग में क्या होता है भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई नंबर ऑफ व्हीकल्स आप वाई एक्सिस पे डालोगे उसका मतलब वो है और यहाँ पे जो लिखा आपने vehicles, जो, जो है वो आपको एक्सिस में लिखना तो वो भी आपने एरो करके बता दिया कि भाई ये जो पूरी लाइन है एक्स एक्सिस की वो एक्चुअली डिनोट कर रही है नेम ऑफ व्हीकल और ये जो वाई एक्सिस की जो पूरी पूरी जो लाइन है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ व्हीकल्स सो so, कितने लोगों के पास है बाइसाइकिल कितने लोगों के पास है अब आपके पास डेटा आपको दिखेगा बाइसाइकिल कितने लोगों के पास है तीस लोगों के पास कैसे पता चला आपने वो रेक्टेंगल जो बनाया ना वो रेक्टैंग rectangle... अच्छा आपका सवाल आया कि यार रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए मतलब ये जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए ये आपके ऊपर है इसका कोई आपके आपको पाबंदी नहीं, नहीं दी जा रही है वो कितना होना चाहिए ऑल दो सम करते समय जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वहां पे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से करना अभी के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ कि आपको उसका विट ज्यादा कम कितना करना है वो अपने ऊपर है ठीक है देखो बाईसाइकिल कितने लोगों के पास है तीस लोग के पास है फिर मोटरसाइकिल कितने लोगों के पास है पच्चीस लोग के पास क्यों ऐसा अरे उसको आप ट्रेस करो ये जो एग्जैक्टली जहां है जहां पे वो उसका जो टॉप वाला है ना रेक्टेंगल का उसको सीधा ट्रेस करो देखो आपको ट्वेंटी फाइव आ जाएगा सो so, पच्चीस लोगों के पास मोटरसाइकिल है रिक्शा कितने लोगों के पास है ट्रेस करो फाइव आएगा बुलक कार्ड कितना ट्रेस करो फिफ्टीन आ जाएगा so, इस तरह से आपको बनाना रहता है है ग्राफ ठीक चौथा जो स्टेप है वहां है कि भाई आपको स्केल लिखना है आप जो भी वाई एक्सिस पे नंबर लेते हो उसमें आपको बताना है ना जैसे आप ये जो वन यूनिट है ये जो वन यूनिट है वो डब्बा को वन यूनिट बोलते हैं सो so, वो फाइव व्हीकल हमने डिनोट करके रखा तो मतलब हर एक डब्बे पे आप पांच 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 ऐड करते जाओगे यहां पे पे हो गया यहां पे टेन आ गया आ ठीक है so, है सो सो एक यूनिट पांच व्हीकल डिनोट करता ऐसे इस तरह से आगे बढ़ते जाना सो so, ये आपको स्केल लिखना बहुत जरूरी है बहुत ही जरूरी है जब भी आप ग्राफ बनाओ स्केल लिखना है स्केल नहीं लिखोगे तो फिर ग्राफ इनकम्प्लीट हो जाता है ठीक है चाहे बोले कोई कोई बोले या ना बोले आपको स्केल लिखना है बोले मेरे साथ कोई बोले या ना बोले आपको स्केल में आपको स्केल लिखना ही लिखना है। ठीक है समझ में आ रहा है आप लोग को चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल लेते हैं स्टैटिस्टिक वन एग्जांपल अब वो एग्जांपल क्या है देखो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट इन अ नर्सरी इज गिवन उन्होंने कुछ डेटा दिया है कि भाई मोगरा जय हिबिस्कस और क्रिसेंथम क्रिसैन थीमम क्रिसन थीमम एक टाइप का प्लांट है हिबिस्कस एक टाइप का प्लांट है जय भी एक टाइप का प्लांट है मोगरा तो so, चार टाइप के प्लांट का उन्होंने नाम दे दिया है और उसने बोला है कि नर्सरी में मोगरा के 70 प्लांट्स है जय के 50 प्लांट्स है हिबिस्कस के 45 प्लांट्स है क्रिसन थिमम का एट्टी प्लांट्स है सो so, आप उसको एक बार ग्राफ में दिखाओ बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे भाई हम बताएंगे अब जब बता ही रहे हैं यहाँ पे बार बारग्राफ बताया कैसे बताया बता दिया बता तो दिया क्या बताया देखो टाइप एंड नंबर ऑफ प्लांट्स जो यहाँ पे लिखा है ना वो ग्राफ का नाम होता है बार ग्राफ का नाम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन सिक्स स्टैंडर्ड में आपको लिखना अनिवार्य है आप वहां पे लिखो कि जो आप बार ग्राफ बनाओगे वो क्या दिखाएगा भाई वो दिखाएगा कि जो नेम एंड टाइप ऑफ प्लांट्स जो है उसके बारे में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना जैसा कि मैंने बोला था सबसे पहले यूल स्टार्ट विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो जैसे कि आपने एक्स एक्सिस बना लिया आप एक्स एक्सिस बना लेते हो उसके बाद वाई एक्सिस बना लेते हो उसके बाद आप पहले एक्स एक्सिस पे सारे के सारे प्लांट का नाम लिख देते हो अपने ऊपर है कितने डिस्टेंस पे आपको उन पर्टिकुलर नाम को डालना है वो अपने ऊपर है आगे जब हम जेनुअनली प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसका ये जो इंफॉर्मेशन है क्लियर हो जाएगा सो मोगरा जय जो प्लांट है उनको हमने एक्स एक्सिस दिखा दिया अब हमें नंबर बताने के भाई मोगरा के कितने हैं वो सब बताने के लिए हमें क्या करना है पहले हमें स्केल डिसाइड करना है वॉट डू मीन बाय स्केल वाई एक्सिस पे जो नंबर है वो बैठ जाना चाहिए अगर आपका जो ग्राफ है आपका ये जो ग्राफ है ये ग्राफ में जो आपका मैक्सिमम नंबर है एट्टी भाई वो एट्टी कम से कम वो एट्टी कम से कम यहाँ तक तो अंदर बैठ ही जाना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लिखते गए आपने स्केल कुछ डिसाइड किया और पता चला कि जो हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा नंबर वाला है वो ग्राफ पेपर के बाहर हो गया सो so, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए आप स्टार्ट करोगे जीरो से ये जीरो होता ओरिजिन है जीरो है उसके बाद आप इस तरह से स्केलिंग करोगे कि भाई आप यहाँ तक आपका ग्राफ भर जाए उसके ऊपर न जाए उसके ऊपर स्केल भी तो लिखना है सो so, उसने क्या किया वन यूनिट वन डब्बा इज इक्वल टू टेन प्लांट्स टेन प्लांट्स टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी आपको पता है सबसे मैक्सिमम जो प्लांट किसके हैं क्रिसेंथेमम So, इसलिए आपका जो ग्राफ है अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा मतलब मैक्सिमम जो एकदम टॉप आएगा ना रेक्टैंगल का वो 80 ही है क्योंकि मैक्सिमम रेट 80 है इसलिए आपको उस तरह से सोचना है ना मोगरा अब स्टार्ट करना है आप क्या करोगे आप यहाँ पे यहाँ पे पता चलेगा इस बारे में आपको जब बताऊंगा ना जब कराऊंगा ना जेन्य मतलब मैंने जो ग्राफ बनाया मैंने जो बनाया है ना वो आपको यहाँ पे तो कैसा है कि इन लोग ने कोई अलग कलर लिया है ग्राफ पेपर आपको ये कलर का थोड़ी मिलेगा पिंक कलर का नहीं मिलेगा आपको मे भी ग्रीन कलर का मिलेगा ठीक है so, सो जो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा वो ग्राफ पेपर पे कैसे बनाना है तो आपको तब एकदम तो अच्छे से आइडिया आ जाएगा जब सॉरी शायद शाह रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी तो इसके वजह से आपको थोड़ा सा थोड़ा यहाँ पे मुझे भी डिस्टरबेंस हुआ और आप लोग भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने दिखा होगा लेकिन सो so वॉट हम लोग कंटिन्यू करते हैं सो आई टेलिंग टाइप एंड नंबर ऑफ प्लांट्स हमने पे दिखा देखो मोगरा मैं ये बोल रहा था कि जो आप ग्राफ बनाओगे जैसा बनाओगे उसी को मैंने मैं अपने ग्राफ पेपर पे बना के दिखाऊंगा तो प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा थोड़ा बहुत भी यहाँ पे जो डाउट रह जाएगा वो वहां पे क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस के समय सो so, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है भाई मोगरा जो है कितने हैं आपको दिखाना है सो so, मोगरा का एक रेक्टेंगल आपने बनाया कहां तक जाना आपको ऊपर 80 तक जाना है। नहीं 70 तक क्योंकि मोगरा 70 है ना सो so 70 पे जाके आपको रुक जाना है और फिर आपको रेक्टेंगल कंप्लीट करना है उसी तरह से जय टाइप का जो प्लांट है आपको ऊपर जाना है और 50 पे जाके रुक जाना है हिबिस्कस 45 पे जाके रुक गया अभी देखो ये जो बीच में आता है फिफ्टी और फोर्टी के तो ऑब्वियसली फोर्टी है है so, देखो यहाँ पे रुक, रुक दिया और ये जो है एट्टी पे रुक गया क्यों क्योंकि ए टी यहां आ रहा है समझ में गाइस आप लोग को इजी है कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सो इस तरह से आपको बनाना है ग्राफ सो ग्राफ पेपर क्या है गाइस आप लोगों को समझ में आया ग्राफ पेपर क्या ये 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 सब जो ये जो आपको जो पिक्टोग्राम है जो पूरा जो आप डेटा देख रहे हो किस तरह से आपको देखना है ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करना है कैसे बनाना है कैसे आइडेंटिफाई करना है कैसे रीड करना है सब चीज आपको बहुत अच्छे से तो शायद से मैं नहीं बोल में भी आपको समझ में भी आया होगा लेकिन अगर थोड़ा भी अगर डाउट रह गया तो आपको प्रैक्टिस समझ में आ so, ये तो ये था जो इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर का बार ग्राफ अच्छा बार इसलिए क्योंकि हम रेक्टेंगुलर ऐसे बॉक्स बनाते तो बार ग्राफ मतलब क्या ग्राफ पेपर पे आप उसको बार ग्राफ की तरह बार की तरह दिखा रहे हो डेटा डेटा को आप बराबर रिप्रेजेंट कर रहे हो आसान तरीके से तो ग्राफ में है तो बार ग्राफ आया समझ में गाइस आप लोग को ना अब जो अगला जो वीडियो होगा अपना अगला अगला जो अपना आ, ये जो वीडियो आपको देखने मिलेगा वो प्रैक्टिस सेट जो हम करेंगे दो प्रैक्टिस सेट हम करने वाले एटीन एंड नाइनटीन

पूरी ताकत से पढ़ें, लॉकडाउन है या जैसा भी आप घर में पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जो भी रिसोर्सेस मिल रहे हैं उसका बेस्ट उपयोग करें ठीक है चलो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ प्लीज शेयर दिस वीडियो बाय बाय